कोरोना की तीसरी लहर की बात कहते हुए आम लोगों से अलर्ट रहने को बार बार कहा जा रहा है, पर लोग हैं कि मानते नहीं। अपनी जान तो वे खतरे में डाल ही रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी कोविड का वाहक बनकर इसे फैलाने वाला बन सकते हैं। दरअसल हजारीबाग में 60% लोगों ने मास्क ही पहनना छोड़ दिया है। एक तो बाजार में भीड़ उमड़ पड़ रही है और दूसरा लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। वैसे दुकानों और दफ्तरों के बाहर बड़े बड़े नोटिस चिपकाए अवश्य देखते हैं कि बिना मास्क के सामान खरीदने तो दूर, मास्क के बिना भीतर प्रवेश वर्जित है। लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। अब जैसा कि चिकित्सक कह रहे हैं कि थर्ड वेव खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। अब ऐसा दृश्य बड़ी आम है। शहर में माँ बाप मास्क लगा कर निकल रहे हैं तो छोटे बच्चे बिना मास्क के घूम रहे हैं। जो लापरवाही बरती जा रही है वह खतरे का संकेत है कि हम यदि चेते नहीं तो यह सभी पर भारी पड़ जाएगा। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। यातायात के नियमों को लेकर नई नई तरकीबें अपना रही है, सख्ती तो पूरी देखी जा रही है, मगर कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर आम जनता में जरा सा भी जागरूकता नहीं देखी जा रही है। न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, न सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है, जिसको लेकर तीसरी लहर में बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो आम जनता को खुद ही जागना होगा और उसके साथ साथ प्रशासन की सख्ती बदलाव ला सकती है। तो जनता को जागना ही एक समझ लीजिए कि तीसरी लहर के बदलाव में कुछ अंतर ला सकता है। तो कहने का मतलब है कि जनता आखिर कब जागेगी, प्रशासन कब सख्ती लाएगी, जो कि एक जांच का विषय है। मैं आवाज हरदीप टीवी से सोनू केसरी, हजारीबाग। चौक पे खड़े हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रशासन कोरोना की लहर को तो लेकर सजग नहीं है, मगर यदि ट्रैफिक नियमों को माना जाए तो ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती पूरी देखी जा रही है, फाइनें पूरी काटी जा रही है। मगर यदि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसको लेकर प्रशासन की किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं देखी जा रही है, बदलाव नहीं देखा जा रहा है। आमजनों में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह का पालन नहीं देखा जा रहा है, जिसको लेकर आम जनता में काफ़ी छूट देखी जा रही है। यदि हम चाह लें आम जनता, तो खुद हम लोगों को जागना होगा, क्योंकि जागना ही एक बदलाव है, जागरूकता ही एक बदलाव है, जागरूकता से ही कुछ माने नया ही हो सकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर, तीसरी इम्पैक्ट आ सकती है। तो देख सकते हैं आपकी कोरोना की तीसरी लहर में कभी भी बड़ा भी विस्फोट हो सकता है। तो हमें खुद ही जागना होगा, हमें खुद ही सजग रहनी होगी। मैं आवाज़ हर्षित टीवी से सोनू केसरी, हजारीबाग। कुछ नहीं बोलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी हम इंद्रपुरी चौक पर खड़े हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि यातायात को लेकर जहाँ प्रशासन पूरी तरह से सख्त बताई जा रही है, फिर वहीं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर आमजनों में मास्क को लेकर किसी भी तरह का भय नहीं है। और जहाँ तक माना जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख ही नहीं रहा है, तो आम जनता को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ माने बदलाव अति आवश्यक है। काहे कि प्रशासन की सख्ती ही नहीं, आम जनता को खुद ही जागना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा और समझिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना होगा। इसको लेकर कोरोना इफेक्ट के साथ साथ कोरोना इफेक्ट पर बदलाव अति आवश्यक है। मैं आवाज़ हर्षित टीवी से सोनू केसरी, हजारीबाग।